मेरा नंबर प्लेट लग गया यार आप लोग को, मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए 1 2 3। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जो भी झारखंड में रिलेटेड जो भी वीडियो मतलब बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सारा चीज़ मैं अपडेट आप लोग को दे रहा हूँ, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो डीजे रिलेटेड हो, सारा चीज़ मैं वीडियो में लाने का कोशिश कर रहा हूँ। बट क्या हो कि डेली मैं वीडियो डालने का कोशिश कर रहा हूँ पहले की तरह। सो दोस्तों, ऐसा कुछ सीन हो कि आप लोग को मालूम होगा मैं एक कार लिया हूँ जो कि मारुति इको जो की है, तो वो कार से मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था, मतलब आसपास में ही अपना धनबाद क्षेत्र में 40-50 किलोमीटर दूरी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा पा रहा था, इसलिए क्योंकि मेरा जो कि नंबर प्लेट नहीं आया था। और एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा नंबर मैसेज आ गया था ऐसे एक सप्ताह पहले, बट क्या रहा कि शोरूम वाला हमको कॉल कर भी बोल दिया था कि आपका नंबर प्लेट आ गया, आप अपना नंबर प्लेट आके लगवा लो। तो एक्चुअली क्या रहा था कि हम कंटेंट के पीछे भाग रहे थे, वीडियो मतलब बना बना के डाल रहे थे, जिसके कारण से हम शोरूम नहीं जा पा रहे हैं। तो आज जाके फ्री हुए हैं, काफ़ी दिनों के बाद एक सप्ताह बाद जा रहे हैं शोरूम। तो चलिए देखते हैं क्या है, नंबर नहीं है, नंबर तो बता देते आप लोगों को, बट क्या है कि डायरेक्ट आपको नंबर प्लेट ही दिखाएंगे। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से कार जो कि मेरा अंदर में खड़ा है हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग में, क्योंकि यहाँ से जो बुकिंग वगैरह आता है तो कॉन्टेक्ट मैंने नंबर दे के रखा हुआ है, और आप लोग अगर बुक करवाना है तो आप लोग भी कर सकते हो। तो चलिए ब्लॉक में हमारे साथ बने रहे, पहले कार निकालते हैं फिर देखते हैं क्या हालत है नहीं, क्योंकि साफ सफाई करके तो गाड़ी को रखे हुए थे। अभी चलते हैं, मेरे साथ ब्लॉक पर बने रहो। सो दोस्तों, कुछ ऐसा सीन हुआ था कि बाइक मेरा कल प्रॉब्लम आ गया था, इसमें जो इसका कार्बोरेटर इसमें पानी आ गया था, जिसके कारण से कल गाड़ी में 1000 रुपये मेरा खर्चा हो गया। इसको क्या करते हैं, अब कवर ओवर लगा कर रख देते हैं। अभी क्या करते हैं, बाइक को हॉस्पिटल में लगा देंगे, फिर वहाँ से कार निकालेंगे। तो चलिए ब्लॉक पर बने रहिए, अब डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं आप लोग से। तो दोस्तों, कुछ ऐसा सीन है कि गाड़ी अंदर पार्किंग में रखे हुए डस्टबिन में, तो अब क्या है कि यहाँ पर माल खड़ी और कुछ रड उड, तो ये जब तला ऑटो हटेगा नहीं तब तक गाड़ी निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर में गाड़ी को रखा गया है, और ये बाहर से कुछ मतलब दिख रहा है आउटसाइड से हॉस्पिटल का, अलकारी देवी हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं कितना लेट में भैया थोड़ा सा साइड आउट करेंगे और गाड़ी को, उसके बाद फिर निकालेंगे, फिर बाइक को वहीं पर लगा देंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए ब्लॉक पर हमारे साथ बने रहें। सो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं पार्किंग अंदर में, और देख सकते हैं इधर कार रखा हुआ है भाई, वैसे का वैसा ही है मतलब पूरा। अब क्या होगा कि इसमें एक नंबर प्लेट हमको लगवाना है, सो नंबर प्लेट लग जाएगा तो आप लोग को नंबर का भी जानकारी भी हम दे देंगे, कौन सा नंबर आया होगा नहीं, और आगे में भी एक प्लेट लग जाएगा। तो चलिए फटाफट पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और क्या हुआ था कि ये जो फ्लेम जो सड़वाए थे शीशा में, ये हल्का सा जो कि उठ चुका है साइड साइड में, तो इसको भी क्या देखिए साइड में ऐसा कबड़ गया है, तो इसको भी चेंज करवाना है। तो चलिए फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। ब्लॉक पर हमारे साथ बने रहो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शोरूम, देख सकते हो मारुति सुजुकी एरेना। तो देखते हैं नंबर प्लेट कहां पर है रखा हुआ, अंदर जाके बातचीत करते हैं, और गाड़ी को यहां पर पार्किंग में लगा दिया रोड साइड में। तो चलिए अंदर जाके पता होता करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो ब्लॉक पर हमारे साथ बने रहो। सो दोस्तों, यहां पर आए थे नंबर अपना देखने के लिए, मेरा गाड़ी का नंबर जो कि कन्फर्म नंबर मुझे मालूम है, बट क्या हो रहा है कि नंबर प्लेट मिल नहीं रहा है। कहाँ मिलेगा कि नहीं नंबर प्लेट हमको? मिल जाएगा, बट क्या था कि ऊपर में यहाँ पर 10-15 प्लेट देखे, बट वो नंबर हमारा नहीं था। तो चलिए देखते हैं नंबर कंफर्म होते फिर आप लोग को नंबर दिखा दें पूरा, उसके मतलब फिनिशिंग होने के बाद। अभी आप लोग के लिए सरप्राइज रहेगा, नंबर मतलब जानकारी हो जाए तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि सुमित भाई का ये गाड़ी है। तो चलिए अभी दिखाते हैं नंबर प्लेट कहाँ पर है, नीचे में आ गए हम लोग, देख सकते हैं यहीं पर। सो दोस्तों, देख सकते हैं बहुत सारा नंबर प्लेट है, बट हमारा नंबर प्लेट मिल नहीं रहा है, देखते हैं मिल जाता था कुछ। तो गाइस, फाइनली देख सकते हो हमारा नंबर प्लेट जो कि आ चुका है, और ये अभी नंबर प्लेट लगाने वाला है, बट आप लोग के लिए सरप्राइज, अभी नंबर प्लेट नहीं दिखाएंगे थोड़ा देर में। क्या नाम हो आपका? संजय। संजय जी अभी नंबर प्लेट लगा रहे हैं, देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा देर में आप लोग को दिखाते हैं पूरा फिनिशिंग होने के लिए, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली जो कि हमारा नंबर प्लेट लग गया यार आप लोग को, मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा नंबर है JS10CS7238, यानी 7238 गाड़ी का नंबर है, जो कि आगे में भी लग चुका है। और चलिए आपको पीछे में दिखाते हैं, तो पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखता है JS10CS7238।
तो फाइनली ये नंबर हमारा आ चुका है, यानी कि 7238 जो नंबर रहेगा वो मेरा ही गाड़ी का नंबर है, आप लोग समझ जाना। तो आज का ये वीडियो मतलब यहाँ पर एंड नहीं करने वाले, एक थोड़ा सा काम है तो चलिए वो करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा सीन हुआ कि जो फ्लेम मतलब कबड़ गया वो मिस्त्री मुन्ना जी काम किए हुए थे, यहाँ पर जो दुकान में एक आदमी बोल रहा है कि हम ही काम किए थे भाई जबरदस्ती, और मैंने ब्लॉग उसका डाला हुआ है आप लोग को, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखे खुद से ये मुन्ना जी जो कि साड़ रहे थे यहाँ पर पीछे वाला में। और अभी क्या हुआ कि ये साइड में उस दिन मैंने जब उतारा शीशा को तो डायरेक्ट यहाँ से मतलब पहले से मतलब कबड़ा हुआ था, जैसे मतलब एक बार क्या किया हुआ था शीशा उसको चढ़ाया, उसको चढ़ाने के दौरान नीचे जो डाउन किया उसी टाइम ये पूरा मतलब स्टिकर मतलब कबड़ रहा था। तो मैंने क्या किया इसमें ब्लेड लगा के थोड़ा सा साइड से कट कर दिया ताकि और ज़्यादा ना कबड़े। अब ये सारा चीज़ बता रहे हैं तो बोल रहा है कि भाई उल्टा की वो फिनिशिंग काम, हम बोले थे आपको फिनिशिंग काम देना है तो बोला कि और काम है आपको कोई दिक्कत नहीं सब काम ठीक है, तो बोले दिक्कत हो तभी तो आए आपके पास। अभी क्या बोल रहा है अलग से बोल रहा है कि इसका 300 रुपया देना पड़ेगा। आप बताओ कि भाई फ्लेम व्लेम सटवाएगा, फिनिशिंग काम आप सही से नहीं किया, आपका मिस्त्री गलती किया है तो उसको हमको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बकझक हो गया। बट देखते हैं कि बोल रहा है कि आप 300 रुपया देंगे तभी काम होगा, तो अभी डिसीजन ले लेते क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इनका व्यवहार हमको सही नहीं लग रहा है जिस तरह से ये मेरे साथ कर रहे थे। ए फ्यू मोमेंट्स सो फाइनली एक घंटा वेट करने के बाद अभी लोग फिर से आ गया, नवाज वमाज कर गया अपना, और इधर देख सकते हो भाई मेरा जो कि पहले वाला जो फ्लेम था वो हटा दिया गया है। उठने के बाद कम से कम 3-4 घंटा ना भाई, 2 घंटा मतलब शीशा को उतारना ना चढ़ाना मतलब कुछ भी नहीं करना है। तो अभी फिर से अभी वही फिनिशिंग काम करवा रहे हैं, जैसा भाई ने बताया 2-3 घंटा इसको आराम से मतलब कि अब यहाँ से जाना है, धूप भी है, एसी चला के अपना जाएंगे, गाड़ी खड़ा ही रहता है। तो ये सारे चीज़ें हुए, बहुत कुछ मतलब डिस्कस हुआ, उसके बाद अभी फिनिशिंग मेरा काम हो रहा है फिर से। तो चलिए उतना ज़्यादा मतलब होता ही रहता है, बट होता है कि भाई थोड़ा सा कस्टमर को भी समझना चाहिए जो भी बिजनेस कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी बिजनेस के लिए लिए हैं, कोई भी दुकान चलाए कोई भी चला थोड़ा सा बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। तो कस्टमर को अगर कोई खुश नहीं रख पाता तो भाई उससे बिजनेस नहीं चलेगा, मेरा यही कहने का मतलब है। बाद बाकी आप लोग समझ ही गएंगे क्या कहना हम चाहते हैं। तो बस चलते हैं अब यहाँ से डायरेक्ट फिनिशिंग काम करते हैं, कुछ पेमेंट इनको करना है उसके बाद निकलेंगे, तो ब्लॉग तो हमारे साथ बने रहो। तो दोस्तों फाइनली वहाँ से हम आ गए अपना फ्लेम सटा के, अभी बोला कि 2 घंटा तक उसको उतारना नहीं नीचे, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें मतलब वहाँ पर सेट होने में। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर संजय जी गेट उठ के लिए थोड़ा सा बोले थे इसको सर्विस करने के लिए कि गेट में मतलब खुल नहीं रहा था, उसके लिए थोड़ा सा ग्रीसिंग करवा ले रहे हैं, और वह साइड ये साइड करने के बाद चलते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल ये सब काम करवाने के बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। सो दोस्तों फाइनली हम रूम में चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और अभी दिखा भी आ चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रही है। अरे क्या कर रहे तुम, ये तो इतना छोटा प्लेट में आका भाई ड्यूटी से, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो बाहर देखो जल्दी। क्या देखो ना, प्लेट रखो ना नीचे, हो गया खाना का, चलो रखो। सो गाइस अभी इसको सरप्राइज देने वाला है, सो गाइस अभी हम दिखाने वाले इसको कुछ नया चीज। गाड़ी हम लोग का कहाँ पर है, क्या नजर आ रहा है, गाड़ी नंबर बता दो कितना है यहाँ से, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा यहाँ से, हाँ वो है हम लोग का गाड़ी, कितना नंबर कितना यहाँ से देखो, जे एन आई क्या गाड़ी का, उसके बाद 7238 सरप्राइज। अच्छा कितना बजे लगा, हाँ यहाँ से जून हो रहा नहीं हो रहा, हो जाएगा थोड़ा सा, वो जो आदमी आया ना वहीं पे है हम लोग का गाड़ी। सो चले गए अभी हम लोग, फिर कहीं जाने वाला है ये, मतलब कब लगाए, आज लग गया गाड़ी का नंबर लगा, फिर वो तो शीशा वाला जो कबड़ गया था वाला दूसरा लगा, वहाँ थोड़ा सा बगझक हो गया, उसके बावजूद फिर बोरा नहीं है, गारंटी वारंटी उसी टाइम दिखाना चाहिए था, हम एक सप्ताह बाद गए थे, फिर हम बोले कि चलो 200 रुपया और एक्स्ट्रा लग गया, और पहले बाकी भी था वही वाला पैसा दिए एक्स्ट्रा, इसका नहीं दिया लगाने का। तो चलो यहीं पर वीडियो को एंड कर देते हैं क्या। सो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो ब्लॉग छोटा मोटा जो भी बोल सकते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय करते हैं, बाय बाय बाय।